Hi and welcome to the Alliance Education channel. I am Kunal Banode, co-founder of Alliance Education. So this is third lecture of rotational dynamics. So before starting, I want to tell you about Alliance Education. Alliance Education लेकर आया है आपके लिए online program and online plus classroom program for the preparation of 12th standard. So register करने के लिए आप given contact number पे हमें call कर सकते हैं. And अगर आप आज ही register करते हैं तो आपको जो benefit मिलेंगे वो कुछ इस तरीके से है. जैसे कि आप अभी वीडियो लेक्चर देख रहे हो, सो इसमें जो हैंड रिटन नोट्स है वो आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे. देन यू विल बी प्रोवाइडेड विथ नोट्स एंड वर्कशीट ऑफ द चैप्टर, सो दैट आपको मार्केट से कोई मटेरियल परचेस ना करना पड़े. देन देर विल बी वीकली ऑनलाइन टेस्ट एंड क्विज, एंड वी विल बी अवेलेबल ऑन वीडियो कॉल फॉर योर ऑनलाइन गाइडेंस एंड डाउट सेशन. एंड वी ट्राई टू कीप आवर नोट्स एंड वीडियोज शॉर्ट एंड टू द एंड विथ टू द पॉइंट एक्सप्लेनेशन, सो दैट आप उसको ईजीली याद रख पाए एंड आपके कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो. एंड हमारा पूरा फोकस उसी पे ही होता है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो. एंड वी बिलीव अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है सो आप एग्जाम में सक्सेस डेफिनेटली पाओगे. इसके अलावा आपको अगर कोई और जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप गिवन कॉन्टैक्ट पे हमें कॉल कर सकते हो. तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था व्हीकल ऑन बैंक रोड के बारे में. सो इसमें हमने एक डेरिवेशन देखा था जिसमें देखा था कि व्हीकल की स्पीड कितनी होनी चाहिए. अगर बैंक रोड पे व्हीकल मूव हो रहा है तो उसका स्पीड हमें मिलता है अंडर रूट आर जी टैन थीटा से. और ये हमने देखा था कि एक बैंक रोड है, एक पर्टिकुलर एंगल पे बैंक रोड है थीटा एंगल पे. सो यहाँ पे व्हीकल मूव कर रहा है, यहाँ पे व्हीकल मूव हो रहा है. सो इस पे जो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं वो कुछ इस तरीके से हैं. आप देख सकते हो mg इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है. देन नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन कुछ ऐसी है. एंड सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में रहेगा. सॉरी, सेंट्रीपिटल फोर्स तो इसे टूवर्ड सेंटर लेकर जाएगा. दिस इज डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स. लेकिन नेट फोर्स जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक सूडो फोर्स एक्ट होगा विच इज कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. सो उसकी मैग्नीट्यूड इक्विवेलेंट टू सेंट्रीपिटल फोर्स होती है. ठीक है, हमें इतना तो पता है कि इसका वेट mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा एंड नॉर्मल रिएक्शन सरफेस प्रोवाइड करेगा. सो अगर हम नॉर्मल रिएक्शन के कंपोनेंट लेते हैं सो कैसे मिलेगा. दिस इज नॉर्मल रिएक्शन जो वर्टिकल के साथ में वर्टिकल के साथ थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है. ये भी थीटा है तो ज्योमेट्रिकली ये भी थीटा हो जाएगा. सो दिस इज एन कॉस थीटा एंड दिस इज एन साइन थीटा. सो हमें पता है कि एन साइन थीटा जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रहा है एम वी स्क्वायर बाय आर. दिस इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. दिस इज व्हाट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सूडो फोर्स. सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किससे बैलेंस हो रहा है, एन साइन थीटा से. और वेट किससे बैलेंस हो रहा है, एन कॉस थीटा से बैलेंस हो रहा है. बट प्रैक्टिकली देखा जाए तो व्हीकल इस स्पीड से मूव नहीं होता है. व्हीकल इस स्पीड से मूव नहीं होता है, एक तो स्पीड काफी कम होती है इससे या ज्यादा हो सकती है. तो ऐसे केस में फ्रिक्शनल फोर्स का या फ्रिक्शन का रोल सामने आता है कि फ्रिक्शन कैसे हेल्प करता है व्हीकल को बैंक रोड में मूव करने के लिए. हमें उसके बारे में स्टडी करना है. सो आइए हम देखते हैं उसके बारे में. सपोज व्हीकल जो है मिनिमम स्पीड के साथ मूव कर रहा है. पहला कंडीशन हम कौन सा देख रहे हैं कि व्हीकल इज मूविंग विथ मिनिमम पॉसिबल स्पीड. सो हम केस वन ले रहे हैं फॉर मिनिमम पॉसिबल स्पीड. अब मिनिमम पॉसिबल स्पीड है मतलब यहां पे जो वेलोसिटी है v1 हम कंसीडर करेंगे. वेलोसिटी जो है इट इज लेस देन अंडर रूट rg tan थीटा. हमने देखा जो प्रीवियसली हमें डेरिवेशन से फॉर्मूला मिला था आर जी टेन थीटा. सो व्हीकल जो मूव कर रहा है इट इज मूविंग विथ स्पीड वी वन विच इज लेस देन अंडर रूट आर जी टेन थीटा. अब हमें पता है व्हीकल का जो स्पीड है वो कम है. कम है इसका मतलब क्या होगा, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो कम हो जाएगा. व्हीकल की स्पीड कम होगी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू कम होगी. एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू कम होगी तो इन दिस केस वी कैन से एम वी वन स्क्वायर बाय आर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज लेस देन एन साइन थीटा. जो उसको बैलेंस कर रहा है उस कंपोनेंट से लेस होगा यहां पर. सो रिमेंबर फॉर मिनिमम पॉसिबल स्पीड, अगर स्पीड कम है
तो यहाँ पे हम स्पीड क्या ले रहे हैं, लेस ले रहे हैं, लेस देन अंडर रूट आरजी टेन थीटा। इसका मतलब इस बार सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू जो उसको बैलेंस कर रहा था उससे कम हो जाती है। कम हो जाती है, तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स कैसे एक्ट होगा? फ्रिक्शनल फोर्स क्योंकि एन साइन थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, एन साइन थीटा ग्रेटर है, तो एन साइन थीटा क्या करेगा, व्हीकल को नीचे स्किड करवाएगा, व्हीकल नीचे स्लाइड हो सकता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा। तो चलो हम एक एक फिर से इसे ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर इंक्लाइन सरफेस लिया हमने जो थीटा पे इंक्लाइंड है, थीटा एंगल पे। यहाँ पे व्हीकल है, व्हीकल इसका वेट एमजी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, एमजी इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। देन उसके बाद नॉर्मल रिएक्शन सरफेस प्रोवाइड कर रहा है, वर्टिकल के साथ एंगल कितना फॉर्म हो रहा है, थीटा। सो ये हो जाएगा एन कॉस थीटा, एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज एन साइन थीटा, एन साइन थीटा इज बैलेंसिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब उसके बाद फ्रिक्शनल फोर्स जो है ये रोड और टायर के बीच में रहेगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन कुछ ऐसी रहेगी। अगर हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले, ये भी थीटा हो जाएगा, दिस इज थीटा, तो ये भी थीटा होगा ज्योमेट्रिकली अगर देखा जाए। तो फ्रिक्शनल फोर्स का एडजेसेंट कंपोनेंट होगा एफ कॉस थीटा, एंड फ्रिक्शनल फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट होगा एफ साइन थीटा। यहाँ पे आप बैलेंस्ड फोर्सेस देख सकते हो कि यहाँ पर हो क्या रहा है, एमजी जो है, एमजी किससे बैलेंस हो रहा है, इन दिस केस वी कैन सी एमजी जो है वो बैलेंस हो रहा है फ्रिक्शनल फोर्स साइन थीटा प्लस एन कॉस थीटा, ये दोनों मिलके एमजी को बैलेंस कर रहे हैं। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, ये दोनों मिलकर एमजी को बैलेंस कर रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम जो आउटवर्ड फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यहाँ पे हम देख सकते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन रहेगी ये एमवी स्क्वायर बाय आर। सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड एफ कॉस थीटा मिला के एन साइन थीटा को बैलेंस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज लेस देन एन साइन थीटा, तो इस बार फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन कैसी होगी, अपवर्ड होगी। सो नेसेसरी हमें इक्वेशन क्या मिलता है इन दिस केस, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एमवी स्क्वायर बाय आर प्लस एफ कॉस थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, ये बैलेंस कर रहा है एन साइन थीटा को। देन सो इससे एमवी स्क्वायर बाय आर इसकी वैल्यू क्या मिलती है, एन कॉस थीटा माइनस एफ कॉस थीटा, सॉरी एन साइन थीटा, यहां पे आना चाहिए साइन थीटा। एन साइन थीटा, ये एफ कॉस थीटा उस साइड जाएगा तो माइनस एफ कॉस थीटा। सो ये इक्वेशन हमें मिलते हैं इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू। अब इन दोनों को सॉल्व करके हम बनाएंगे फॉर्मूला फॉर मिनिमम पॉसिबल स्पीड। सो आइए चलते इसके लिए नेक्स्ट स्लाइड पे। जैसे कि हमने देखा था, यहां पर मैं आपके लिए एक बार डायग्राम फिर से जल्दी से बना देता हूँ। यहाँ पे व्हीकल है और आपका भी रिविजन हो जाएगा साइमल्टेनियसली, आप भी पेपर और पेन लेके बैठ सकते हो सो दैट आपका डेरिवेशन का प्रैक्टिस हो जाए। जनरली हमें देखते वक्त लगता है अरे इजी है, बट हम जब सॉल्व करने जाते हैं तो हमें नहीं आता है। सो दिस इज थीटा, दिस इज एन कॉस थीटा, एंड सेम डायरेक्शन में है एफ साइन थीटा। देन यहाँ पर है थीटा, दिस इज एफ कॉस थीटा, एंड दिस इज व्हाट, एन साइन थीटा। अब हमने देखा कि प्रीवियस हमने इक्वेशन में देखा एम वी स्क्वायर बाय आर इक्वल टू एन साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा, एंड एम जी इक्वल टू एफ साइन थीटा प्लस एन कॉस थीटा। डायग्राम से भी देख सकते हो कि एम जी जो है वो किससे बैलेंस हो रहा है, एम जी इज बैलेंसिंग बाय एन कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा। एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है एम वी स्क्वायर बाय आर, ये किससे बैलेंस होगा, एन साइन थीटा, ये एन साइन थीटा से एफ कॉस थीटा माइनस हो जाएगा, डायरेक्शन ऑपोजिट है, एन साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा। सो ये हो गया। अब हम इक्वेशन वन और इक्वेशन टू, टू को वन से डिवाइड कर देते हैं। सो टू को वन से डिवाइड करने पे क्या मिलेगा, एम वी स्क्वायर बाय आर डिवाइड बाय एम जी इज इक्वल्स टू, एम वी स्क्वायर बाय आर की वैल्यू थी एन साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा डिवाइड बाय एन कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा। हमें पता है फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, आपने फ्रिक्शनल चैप्टर में, फ्रिक्शन चैप्टर में पढ़ा है, इट इज गिवन बाय म्यू एस एन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन।
सो यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू हम अगर सब्सटीट्यूट करें, mm कैंसिल हो गया, सो वी स्क्वायर बाय आर जी एंड एन साइन थीटा एज इट इज, फ्रिक्शन की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ पर माइनस साइन एज इट इज म्यू एस एन कॉस थीटा डिवाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन इंटू कॉस थीटा प्लस अगेन म्यू एस एन साइन थीटा, ये हो गया। अब आप देख सकते हो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन न्यूमेरेटर से भी कॉमन निकलता है, डिनोमिनेटर से भी, दोनों के पास नॉर्मल रिएक्शन है, यहाँ भी दोनों के पास नॉर्मल रिएक्शन है। सो अगर हम नॉर्मल रिएक्शन कॉमन निकाले तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हम यही डायरेक्ट कैंसिल कर देते हैं। सो क्या बचेगा हमारे पास, वी स्क्वायर इक्वल टू आर जी दूसरी साइड में चले गया, देन हमारे पास बचता है साइन थीटा माइनस म्यू एस कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा। अगर हम यहाँ पे न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस थीटा से डिवाइड कर दे, सो उससे हमें क्या मिलेगा, उससे इक्वेशन मिलता है हमें वी स्क्वायर इक्वल टू आर जी। हम क्या कर रहे हैं, न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस थीटा से डिवाइड कर रहे हैं, सो साइन अपॉन कॉस हो जाएगा टैन माइनस कॉस कॉस यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, सो यहाँ बचेगा म्यू एस कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन डिवाइड बाय कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा वन बचेगा प्लस म्यू एस एंड यहाँ पे बचेगा साइन अपॉन कॉस टैन। सो वी के लिए फॉर्मूला बनता है वी इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी टैन थीटा माइनस म्यू एस डिवाइड बाय वन प्लस टैन थीटा इंटू म्यू एस। सो ये रहेगा फॉर्मूला फॉर मिनिमम स्पीड, इसे हम वी वन हमने कहा था, सो फॉर्मूला फॉर मिनिमम स्पीड। अब आप इक्वेशन से क्या प्रेडिक्ट कर सकते हो, जैसे कि आप इक्वेशन में देख सकते हो यहाँ पर वी कैन राइट कि अगर म्यू एस की वैल्यू हम टैन थीटा के बराबर कर दे, म्यू एस की वैल्यू क्या कर दे टैन थीटा के बराबर कर दे, तो उसके वजह से क्या होगा, मिनिमम स्पीड जीरो हो जाएगी। वी कैन राइट म्यू एस जो है इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ग्रेटर होना चाहिए नहीं तो नेगेटिव आ जाएगा रूट में, तो वेलोसिटी एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो म्यू एस फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, सो वी मिनिमम क्या हो जाएगा, वी मिनिमम शुड बी जीरो। सो ये इक्वेशन किसके लिए ट्रू हो जाएगा, वी कैन से दिस इज ट्रू फॉर द रफ बैंक सरफेस एट स्मॉल एंगल, ठीक है, बैंक सरफेस होना चाहिए बट बैंक एट स्मॉल एंगल, रफ सरफेस रफ रोड बैंक एट स्मॉल एंगल के लिए करेक्ट होगा। सो आई होप आपको ये एक्सप्रेशन समझ में आया हो, एंड रिमेंबर फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ रहेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट, इसके वजह से पूरा डेरिवेशन करेक्ट हुआ है। अगर फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन रॉन्ग हो जाती है तो डेरिवेशन रॉन्ग हो जाता है। और क्यों अपवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट हो रहा है, क्योंकि व्हीकल की स्पीड कम है, स्पीड कम होने के वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और एन साइन थीटा बैलेंस नहीं हो पा रहे हैं, एन साइन थीटा इज ग्रेटर देन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सो दोनों को इक्वेट करने के लिए यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा। अगर फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट नहीं होगा तो व्हीकल स्लाइड हो सकता है डाउनवर्ड। अब हम इसी में ही सेकेंड केस की बात करते हैं, फॉर मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड, फॉर मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड। अब मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड के लिए क्या होगा, So, फिर से एक बार डायग्राम पे आ जाते हैं हम, जैसे कि हम देख सकते हैं यहां पर व्हीकल, अब उसके बाद एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, देन दिस इज डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन सरफेस प्रोवाइड करता है, दिस इज थीटा, सो ये हो जाएगा एन कॉस थीटा, देन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज एन साइन थीटा, देन अब इस बार फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन समझना है हमें, हमें पता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो बैकवर्ड एक्ट होगा, यहाँ पे रहेगा एम वी स्क्वायर बाय आर, एम वी स्क्वायर बाय आर का कोई कंपोनेंट रहेगा यहाँ पर एक्चुअली, ठीक है, हम समझने के लिए ऐसा लिख रहे हैं एम वी स्क्वायर बाय आर। अब उसके बाद ठीक है, हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड, आप जस्ट इमेजिन कीजिए ये व्हीकल जो है मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड के साथ मूव करेगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी, यहाँ पर यहाँ पे क्या होने वाला है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ग्रेटर रहेगा, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इन दिस केस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ग्रेटर देन एन साइन थीटा, सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू बढ़ जाती है मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड में, यहां पे हम बात कर रहे हैं स्पीड या फिर v इज ग्रेटर देन अंडर रूट आर जी
टेन थीटा, आर जी टेन थीटा से ग्रेटर है, स्पीड इज ग्रेटर देन अंडर रूट आर जी टेन थीटा, तो ऐसे केस में एम वी स्क्वायर बाय आर इज ग्रेटर देन एन साइन थीटा हो जाएगा। तो इस केस में व्हीकल को आउटवर्ड स्किड करने से बचाने के लिए इसकी स्किडिंग, क्योंकि व्हीकल यहाँ पे स्किड होके बाहर जा सकता है, व्हीकल की स्किडिंग हो सकती है, तो आउटवर्ड स्किडिंग को प्रिवेंट करने के लिए दिस टाइम फ्रिक्शनल फोर्स विल एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन रहेगी डाउनवर्ड टू प्रिवेंट स्किडिंग। जब व्हीकल मैक्सिमम स्पीड से जा रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन कैसी रहेगी? डाउनवर्ड टू प्रिवेंट स्किडिंग। एंड फ्रिक्शनल दिस इज थीटा, सो ये भी थीटा हो जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल आप देख सकते हो, जेड फॉर्म हो रहा है, सो फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा यहाँ पे एफ कॉस थीटा। एंड यहाँ पे उसका दूसरा कंपोनेंट आ जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, विच इज एफ साइन थीटा। सो अब यहाँ पे फोर्सेस बैलेंस करते हैं एंड हम इक्वेशन यहाँ पे डिराइव करते हैं। आप देख सकते हो एम जी जो है एम जी एंड एफ साइन थीटा को बैलेंस कर रहा है एन कॉस थीटा, एम जी प्लस एफ साइन थीटा, ये कौन बैलेंस कर रहा है एन, लिख लेते हैं आपके लिए, एम जी प्लस एफ साइन थीटा, ये किससे बैलेंस हो रहा है एन कॉस थीटा। एंड उसके बाद एम वी स्क्वायर बाय आर, ये किससे बैलेंस हो रहा है, इट इज बैलेंस बाय एफ कॉस थीटा एंड एन साइन थीटा, एफ कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा। अब इसके बाद यहां पर पहले वाले इक्वेशन में हम लिख सकते हैं एम जी के लिए वैल्यू, सो वी कैन राइट एम जी इक्वल टू एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा। अगेन वेलोसिटी निकालने के लिए दोनों को डिवाइड कर देंगे, सो डिवाइड करने पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं एम वी स्क्वायर बाय आर डिवाइडेड बाय एम जी, सो इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर की वैल्यू थी एफ कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा डिवाइड बाय एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा। सो यहाँ पे एम एम कैंसिल हो जाता है, एम एम कैंसिल होने के बाद हमें क्या मिल रहा है, वी स्क्वायर बाय आर जी, वी स्क्वायर बाय आर जी इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे, फ्रिक्शनल फोर्स इज वॉट, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन, दिस इज वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। सो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे फ्रिक्शनल फोर्स की, म्यू एस इनटू नॉर्मल रिएक्शन कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा डिवाइड बाय एन कॉस थीटा माइनस म्यू एस एन साइन थीटा। देन पहले वाले डेरिवेशन जैसा ही यहाँ पे हम देख सकते हैं नॉर्मल रिएक्शन न्यूमेरेटर से भी कॉमन निकल रहा है एंड डिनोमिनेटर से भी, सो नॉर्मल रिएक्शन हम कैंसल आउट कर सकते हैं। सो कैंसल आउट होने के बाद क्या बचेगा, वी स्क्वायर इक्वल टू आर जी हमने दूसरी साइड में भेज दिया, यहाँ पे बचता है म्यू एस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर को अगर हम कॉस थीटा से डिवाइड कर दे तो हमें मिलेगा वी स्क्वायर इक्वल टू आर जी, म्यू एस कॉस थीटा से डिवाइड होने पे कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा प्लस यहाँ पे साइन अपॉन कॉस हो जाएगा टेन, देन कॉस अपॉन कॉस वन माइनस म्यू एस साइन अपॉन कॉस टेन। सो कॉस थीटा से डिवाइड करने पे हमें ये डेरिवेशन इक्वेशन मिलेगा, सो वी इज इक्वल्स टू वॉट, इट इज अंडर रूट आर जी इन ब्रैकेट म्यू एस प्लस टेन थीटा डिवाइड बाय वन माइनस म्यू एस टेन थीटा। सो ये रहेगा एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड। सो मिनिमम पॉसिबल स्पीड में साइन आप देख सकते हो ऊपर में नेगेटिव साइन था एंड डिनोमिनेटर में पॉजिटिव साइन था, हम दोनों इक्वेशन को एक बार लिख लेते हैं इसके बारे में और डिटेल जानते हैं। सो यहां पर हमने पहला केस देखा था, केस वन फॉर मिनिमम पॉसिबल स्पीड, फॉर मिनिमम पॉसिबल स्पीड इसमें इक्वेशन क्या बना था, वेलोसिटी के लिए वेलोसिटी मिनिमम वेलोसिटी इज गिवन बाय अंडर रूट आर जी टेन थीटा माइनस म्यू एस डिवाइड बाय वन प्लस टेन थीटा इंटू म्यू एस। एंड इसमें हमने देखा था म्यू एस जो है इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू टेन थीटा, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू टेन थीटा, सो वी मिनिमम की वैल्यू अगर इक्वल टू हो जाता है टेन थीटा के बराबर तो टेन थीटा माइनस टेन थीटा वी मिनिमम कितना आ सकता है, जीरो आ सकता है, ये हमने देखा था फर्स्ट केस।
उसके बाद हम देखते हैं केस 2। केस 2 में हमने डेरिवेशन देखा फॉर मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड, मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड। सो मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड के लिए हमने फॉर्मूला देखा वी मैक्स इक्वल टू अंडर रूट आर जी टैन थीटा प्लस म्यू एस, टैन थीटा प्लस म्यू एस डिवाइड बाय 1 माइनस टैन थीटा इंटू म्यू एस। यहां पे सेकेंड फॉर्मूले में तो प्रॉब्लम नहीं है, बट फर्स्ट में ध्यान में रखिए आप कि म्यू एस के पास नेगेटिव साइन है, ये याद रखना जरूरी है, म्यू एस के पास नेगेटिव साइन है। और इस केस में अब म्यू एस की वैल्यू क्या होगी एंड वी मैक्स कितना हो सकता है, तो उसके ऊपर हम जानते हैं थोड़ा। सपोज म्यू एस की वैल्यू हो जाती है कॉट थीटा के बराबर, म्यू एस किसके बराबर हो जाता है, कॉट थीटा। तो यहाँ पे टेन थीटा इंटू कॉट थीटा होता है 1, तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0 हो गया, नंबर अपॉन 0 इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यहाँ पे वी मैक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, इन्फिनिटी। वी मैक्स की वैल्यू इन्फिनिटी हो सकती है, बट प्रैक्टिकली वी नो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट की वैल्यू किसके किससे किसके बीच में लाई करेगी, 0 टू 1 के बीच में। हमेशा कोई भी कोएफिशिएंट जो है उसकी वैल्यू 0 टू 1 के बीच में लाई करती है, तो म्यू एस की मैक्सिमम वैल्यू शुड बी इक्वल टू 1। सो इसका मतलब फॉर थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 45 डिग्री, थीटा की वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 45 आता है तो वी मैक्स इन्फिनिटी हो जाएगा। अब इसमें हम केस 3 देखते हैं। केस 3, अगर कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0 रहता है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0 है, सो आप दोनों में से किसी भी इक्वेशन में वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए, आपको वेलोसिटी की वैल्यू मिलती है अंडर रूट आर जी टेन थीटा, यही हमने देखा था। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हीकल ऑन बैंक रोड। आइए इस पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, अ रेसिंग ट्रैक ऑफ कर्वेचर 9.9 मीटर, यहाँ पे रेसिंग ट्रैक है जिसका कर्वेचर दिया हुआ है, जिसका रेडियस दिया हुआ है, रेडियस कितना दिया हुआ है हमारे पास 9.9 मीटर, बैंक एट टैन इनवर्स 0.5, तो थीटा दिया हुआ है एंगल ऑफ बैंकिंग, टैन इनवर्स 0.5, बट हम हमेशा फॉर्मूले में टैन थीटा यूज करते हैं कहीं भी, सो टैन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, टैन ऑफ थीटा की वैल्यू टैन इनवर्स 0.5, सो टैन थीटा मिलता है हमें 0.5, ठीक है। अब उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन ट्रैक एंड द टायर ऑफ व्हीकल इज 0.2, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज गिवन व्हिच इज 0.2, डिटरमाइन द स्पीड लिमिट विथ 10% मार्जिन। हम कभी भी स्पीड लिमिट बताते हैं तो मैक्सिमम एंड मिनिमम स्पीड बताएंगे, तो इसके लिए हमें दोनों वैल्यूज फाइंड आउट करनी पड़ेगी, मैक्सिमम स्पीड एंड मिनिमम स्पीड। सो पहले हम देखते हैं मिनिमम स्पीड। सो मिनिमम स्पीड फॉर्मूला क्या था मिनिमम स्पीड के लिए, अंडर रूट आर जी इन ब्रैकेट टैन थीटा माइनस म्यू एस, माइनस साइन किसके पास रहेगा, म्यू एस के पास, 1 प्लस म्यू एस टैन थीटा, देन इज इक्वल्स टू अंडर रूट वैल्यू ऑफ आर इज 9.9, वैल्यू ऑफ जी इज 10, टैन थीटा की वैल्यू है 0.5 माइनस म्यू एस की वैल्यू है 0.2 अपॉन 1 प्लस 0.2 इंटू 0.5। सो सिंप्लीफाई करते हैं इसे, सिंप्लीफाई करने पे हमें क्या मिलेगा, अंडर रूट 9.9 इंटू 10 इज 99, देन 0.5 माइनस 0.2 इज 0.3 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.2 इंटू 0.5, 0.2 इंटू 0.5 इज कितना होता है, यहाँ पे ये हो जाएगा 0.1 एंड 1 प्लस 0.1 कितना मिलेगा हमें 1.1। सो पॉइंट पॉइंट कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा है अंडर रूट 99 इंटू 3 डिवाइड बाई 11, सो 11 9 जा 99, सो अंडर रूट 9 3 जा 27। अब यहाँ पर रूट 27 आया है, हमें 27 का रूट चाहिए। वैसे तो आपके बुक में वैल्यू डायरेक्ट दी हुई है, 27 का रूट होता है 5.196। हमने वेलोसिटी फाइंड आउट किया इसलिए इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकंड, बट ऐसे नंबर जिनका रूट हमें डायरेक्टली नहीं पता कैसे फाइंड आउट किया जाता है, मैं आपको 2 मिनट में जल्दी से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, आप ये ट्रिक याद रखिए। कभी भी किसी भी नंबर का जो रूट है उसे इस तरीके से लिखिए,
एक्स प्लस माइनस वाई, एक्स प्लस माइनस वाई, तो इसका रूट का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एक्स प्लस वाई अपॉन टू रूट एक्स। जैसे कि हमें 27 का रूट यहाँ पे निकालना है, सो 27 का रूट जो है, तो नंबर जो है, पहले इसे हम एक्स प्लस वाई या एक्स माइनस वाई के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? सो लिख सकते हैं हम, जो एक्स है वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 25 प्लस 2 लिख सकते हैं। तो इसका रूट क्या हो जाएगा, अंडर रूट 25 प्लस वाई अपॉन टू रूट एक्स, वाई की वैल्यू है 2 अपॉन टू रूट 25, सो 25 का रूट हो जाएगा 5 प्लस 2 अपॉन 2 इंटू 5, सो 5 प्लस 2 इंटू 5 हो जाएगा 10, सो 2 अपॉन 10 कितना होगा 0.2, सो आंसर आ जाएगा 5.2। सो आप यहां पे देख सकते हैं, इसको हम अप्रोक्स राउंड ऑफ करें तो ये 5.2 मीटर पर सेकंड ही होगा वेलोसिटी। सो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, आंसर रॉन्ग नहीं आएगा। लेकिन हमें क्या बोला है, डिटरमाइन द स्पीड लिमिट विथ 10% मार्जिन। सो 10% मार्जिन निकालना है, सो हमें सबसे पहले हम 10% मार्जिन निकाल लेते हैं, 10% मार्जिन। सो 10% मार्जिन कितना होगा, इसका जो स्पीड है उसका 10%, तो स्पीड लिख ली हमने 5.2 एंड उसका 10% मीन्स 10 अपॉन 100। सो 10 अपॉन 100 ये कैंसिल हो गया, सो 0.52 हो जाएगा, 0.52। सो मिनिमम स्पीड कितनी होगी, मिनिमम स्पीड शुड बी 5.2 प्लस 0.52। सो आंसर आएगा हमारा यहां पे ऐड करने पे 2, ये 2 एज इट इज, देन 5 प्लस 2, इसके सामने कुछ नहीं इसलिए 0, 0 प्लस 2 2, देन 2 प्लस 5 5, देन 5 प्लस 0 5। सो ये रहेगा मिनिमम स्पीड, सॉरी 5 प्लस 2 यहां पे 7 हो जाएगा, सो मिनिमम स्पीड रहेगा 5.72 मीटर पर सेकंड। इसी तरीके से आपको मैक्सिमम स्पीड भी फाइंड आउट करनी है, तो मैक्सिमम स्पीड आपके लिए होमवर्क है। सो आपको मार्जिन विथ 10% मार्जिन मैक्सिमम स्पीड भी फाइंड आउट करनी है, तो आपके लिए क्वेश्चन होमवर्क रहता है फिलहाल के लिए। एंड आप उसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइए। देन कोनिकल पेंडुलम, सो कोनिकल पेंडुलम के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। अभी अपने स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लीजिए एंड इंस्टाग्राम फेसबुक पे अपने स्टोरी पे शेयर कीजिए विद द हैशटैग डिजिटल अलायंस, हम आपकी स्टोरी शेयर करेंगे। एंड आपको लेक्चर पीडीएफ रिक्वायर्ड है तो आप गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या गिवन मेल आईडी पे मेल भी कर सकते हैं। एंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड do subscribe the channel for the regular updates and press the bell icon. Thanks for watching.